महाभारत के पांच शक्तिशाली योद्धा जिनसे देवता भी डरते थे। नंबर एक, और जानकर चौंक जाओगे लेकिन सबसे पहले कम शक्तिशाली योद्धाओं के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाए। नंबर पाँच, अर्जुन। महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में अर्जुन को भी जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्र का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या निशस्त्र कृष्णों को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने कौरवों के अधिक से अधिक सेना को मारा। इनमें भीष्म और कर्ण भी शामिल है। नंबर चार, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ही दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था। इनके पास हर अस्त्रों को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायणी अस्त्र, पाशुपत अस्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को वध करवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। नंबर तीन, कर्ण। दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। कहते हैं कि छल से कर्ण के कवच और कुंडल का त्याग करवा दिया। उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जितना असंभव था। कहते हैं कि कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंस गया था, तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण को वरदान मिला था कि उनके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता था। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी पराजित किया था, लेकिन उन्हें मारा नहीं, क्योंकि कर्ण ने कुंती से प्रतिज्ञा की थी कि वो सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को नहीं मारेगा। नंबर दो, भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था, क्योंकि भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा का विरोध नहीं ली जा सकती। लेकिन 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव है। कहते हैं कि भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि विष्णु के अवतार थे। तब श्री कृष्ण ने शिखंडी को बुलाकर भीष्म के सामने उपस्थित कर दिया और तब अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाण दागे और भीषण तीरों के सया पर सुला दिया। तब उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी देह त्याग कर दिया। नंबर एक, श्री कृष्ण। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में श्री कृष्ण को माने जाते हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति से वो इतना महान योद्धाओं को मात दे पाए। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से ही कौरवों के पूरे सेना का विनाश कर देते, क्योंकि श्री कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अबल नहीं था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप दिखाया था।